ये विविध भारती है आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम। फौजी भाइयों की खिदमत में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम पेश कर रहे हैं फिल्मी दुनिया के मशहूर गीतकार श्री विठल भाई पटेल। प्यारे फौजी भाइयों, विठल भाई पटेल का मेरे देश के योद्धा हैं और मुझे बहादुरों से मोहब्बत है। मैं आशा करता हूं आप मेरी गुस्ताखियों को जायज करार देंगे, क्योंकि आप जानते हैं युद्ध और मोहब्बत में हर बात जायज होती है। दोस्तों, हमारी फिल्मी दुनिया में भी एक कलम के सिपाही हुए हैं, यानी शैलेंद्र साहब। फिल्म जगत में वे मेरे सबसे पहले दोस्त थे। उनकी फिल्म तीसरी कसम को अवार्ड, मेडल, तमगे मिले, लेकिन जब आदमी ही ना रहा तो इस नुमाइश का क्या कीजिए। अपनी श्रद्धांजलि के तौर पर मैं उन्हें ये पंक्तियां समर्पित करता हूं। तुम्हें हम याद करते हैं, तुम्हारे गीत गाते हैं, अंधेरा ही अंधेरा है मगर सूरज उगाते हैं। सबसे पहले मैं शैलेंद्र साहब का ही गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे मेरे चहेते गायक मुकेश जी ने गाया है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, इस गीत को सुनकर मुझे अपना एक गीत याद आ रहा है। बुंदेलखंडी भाषा के इस गीत को सुनकर मेरे अनेक दोस्तों ने शिकायत की कि उनकी बीबियां मायके जाने की धमकी दे रही हैं। लिहाजा मैंने अपने दोस्तों की एक मीटिंग बुलाई और कहा, जो लोग अपनी पत्नियों से परेशान हैं वे खड़े हो जाएं। मेरे साथ सारे के सारे दोस्त खड़े हो गए, एक को छोड़कर। हम सब ने उसे बधाई दी। उसने कहा, दोस्तों, बैठना मेरी मजबूरी है, क्योंकि खड़े होने के लिए भी मुझे अपनी बीवी से पूछना पड़ेगा। खैर छोड़िए, बॉबी के इस गीत को लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह ने गाया है। लता जी ने संगीत का जो सफ़र तय किया है उसके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। दरअसल वे संगीत की रूहे रवा हैं। आप तो जानते ही हैं मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। रख दो नुमाइश के लिए हारे हुए हर दांव को, हम दर्दियां संसार की भरती नहीं है घाव को। यानी राज कपूर। राज साहब सुर और संगीत के मामले में बहुत गुणी आदमी है, एक लाजवाब आदमी जिसकी रग रग में कला समाई हुई है। आप तो जानते ही हैं कि राज साहब के जरिए ही मेरा फिल्मों में प्रवेश हुआ। एक महफिल में उन्होंने मेरी काली घटा कविता सुनी, आप भी सुनेंगे। आज फिर घटा घिरी है, मौसम बेहद सुहाना है, चलो साथ साथ चलें, कुछ ना कहें, चुप रहें, सिर्फ साथ साथ चलें, बाकी फिर कभी। अब सुनिए हसरत जयपुरी का लिखा एक गीत, जिसके संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। शंकर जयकिशन यानी संगीत का ऐसा हिमालय जिसकी बर्फ जब जब पिघलती है सुरों की गंगा बहती है। शंकर जयकिशन का मैं दोस्त भी हूँ और फैन भी। फैन माने पंखा नहीं, प्रशंसा। जाने कहाँ
गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर तुमको न भूल पाएंगे वाकिफ तुम्हारी जिंदगी से हो गए इतने जिंदगी अपनी हमें अब अजनबी लगी शेर व शायरी पसंद करने वाले एक और शख्स फिल्म इंडस्ट्री में हैं जिनका नाम है प्राण साहब एक दरिया दिल और बिल्कुल सुलझा हुआ आदमी लीजिए दो झूठ का मेरा ही लिखा हुआ गीत सुनिए जिसमें प्राण साहब की अदाकारी भी है चलो भूल जाए जहां को यहां तो घड़ी बीते हुए पल नहीं लौटते थे दोस्तों चाहकर भी मैं एक बात नहीं भूल पा रहा हूं बात उज्जैन की है महाकालेश्वर के मंदिर में एक दिन मैं अपने बेटे संजय और धर्मेंद्र को लेकर गया शंकर जी की मूर्ति देखते ही बेटे संजय ने पूछा पापा इनके जयकिशन कहाँ हैं सच मानिए मैं उसकी बात को सुनकर अवाक रह गया मीना कुमारी जी का यह शेर शायद यही कहता है जब जुल्फ की कालिख में गुम हो जाए कोई राही बदनाम सही लेकिन गुमनाम नहीं होता ऐसी ही एक हस्ती थी मीना जी जो जयकिशन की तरह ना जाने किस मोड़ पर गुम हो गई अब सुनिए एक गीत जिसके संगीतकार हैं शंकर जयकिशन सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे नादान वही है दोस्तों मुझे याद आ रहा है जब सागर स्टेशन पर युद्ध में जाते हुए सैनिकों को किशोर समिति के बच्चे और सागर के नागरिक विदा कर रहे थे देश के सिपाही भी सन्यासी होते हैं जो अपना घर बार छोड़कर देश की रक्षा में जुटे रहते हैं और किसी भी लोभ या लालच के आगे घुटने नहीं टेकते ऐसे ही एक सन्यासी यानी मनोज कुमार की भावना और हेमा मालिनी की छेड़छाड़ को मैंने कलमबद्ध किया है सन्यासी के लिए इसके निर्माता निर्देशक हैं सोहन लाल कंवर जो बेईमान और सन्यासी का फर्क खूब समझते हैं और उनसे पहचान होने के बाद प्यार की कोई सीमा नहीं रहती मेरी आंखों में घूम जाता है शशि कपूर मेरी दोस्ती शशि से तब से है जब वो पृथ्वी थिएटर्स में सागर आए हुए थे एक लाजवाब अभिनेता किंतु बेहद सरल लीजिए सुनिए जब जब फूल खिले का एक गीत जिसे लिखा है फिल्मी गीतों के गोगिया पाशा आनंद बख्शी ने और इसके संगीतकार हैं चुटकुलेबाज कल्याण जी आनंद जी
किसियों से न अखियां मिलाना। बोझ से झुककर बदन दोहरा हुआ होगा, मैं सिजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। लीजिए अब सुनिए जूली का एक गीत, जिसके संगीतकार हैं राजेश रोशन, जिन्हें संगीत विरासत में मिला है। मुझे बहुत परेशानी होती है कवि सम्मेलनों में, सुनने वाले अक्सर मुझसे झूठ बोले कौवा काटे को गाकर सुनाने की फरमाइश करते हैं। वे नहीं जानते मैं कितना बेसुरा हूं, और मैं जब जब गाने की कोशिश करता हूं, यकीन कीजिए मेरी बीबी कमरे के बाहर टहलने लगती है। एक दिन मैंने उससे पूछा, भगवान मैं जब जब गाता हूं तुम बाहर क्यों चली जाती हो? उसने जवाब दिया, ताकि मोहल्ले वालों को ये पता ना चले कि मैं आपको पीट रही हूं। अब सुनिए बॉबी का वह गीत जो प्रेमनाथ जी को बहुत पसंद है। प्रेमनाथ जी की ट्यूनिंग इस गाने के साथ है, क्योंकि फिल्मी गीतों में मैं सादगी का कायल हूँ। दो झूठ, सन्यासी, धूप छांव, गंगा और गीता तथा सरदार मलिक की फिल्म आदमी हो तो ऐसा, जिसके निर्देशक हैं रजन ठाकुर, मैंने ऐसे ही गीत लिखने की कोशिश की है। प्यारे फौजी भाइयों, मैं अपनी जिंदगी में कई लोगों का आभारी हूँ, जिनके स्नेह के कारण उद्योग, राजनीति, साहित्य और फिल्म में एक साथ कुछ कर गुजरने का अवसर मिला है। अब वक्त इशारा कर रहा है कि मैं आपसे इजाजत लूं, जी तो नहीं चाहता। विदा लेते हुए मुझे अपनी कविता की चंद पंक्तियां याद आ रही हैं। एक सी बेचैन है नजरें दोनों जगह, सीमा पर दुश्मन को खोजने की और सैनिक के घर में पिया के लौट कर आने की। लौट कर आऊंगा फिर कभी अवसर मिला तो आपके मनोरंजन के लिए। आप खत लिखिएगा आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। जाते हुए भाई बाल कवि बैरागी के शब्दों में यही कहूंगा, मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूं तुम जो लौट नहीं पाए हो। शहीदों को मेरे प्रणाम और आप सब बहादुर जवानों को भी। फौजी भाइयों की खिदमत में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम पेश कर रहे थे फिल्मी दुनिया के मशहूर गीतकार श्री विठ्ठल भाई पटेल।